हम लोग चौहर माला बाबा साहब के अनुयायी है, एक मिनट भी नहीं हिलेंगे। पासवान जाति तो दूसरे के लिए लड़ता है। हाँ। जब पासवान जाति के यदि अधिकार की बात आएगी तो एक मिनट भी पीछे हटने की बात है। चिराग जी जो बोलते हैं कि हम दुसाद के नेता हैं, तो चिराग पासवान कभी दुसाद का नेता नहीं हो सकते हैं। हाँ। इन्होंने पासवान समाज को बेचने का काम किया है। इस तरह से चिराग पासवान के ही कारण हो रहा है ये सब। जब उनके अधिकार की बात होता है तो ये जो है पासवान समाज के अधिकार पर चिराग पासवान जी चुप हो जाते हैं। चिराग के बात मानते हैं कि नहीं नीतीश कुमार और मोदी? नहीं, अगर मानते तो ऐसा होता ही नहीं। हर चीज हटा रहा है। एक खानदानी पोस्ट था हम लोग का, सब दिन से मेरा पूर्वज, शुरुआत में मेरा पूर्वज मरा। हाँ। अभी जब सुख करने का दिन आया तो माने सब जाति का दे रहा है। पासवान समाज जो है लड़ाकू समाज रहा है। हाँ। चौहरमल वंशज है। इनको चौकीदारी का अधिकार मिलना चाहिए। हाँ। साथ ही बिहार में जो 65% रिजर्वेशन जो है हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। हाँ। अगर जो नीतीश कुमार जी में इतना क्षमता है तो केंद्र सरकार से मांग करे कि नवी अनुसूची में डलवा दे। वर्षों से पासवान समाज जो है वो चौकीदारी करने का उनकी एक पेशा है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है कि जो पासवान समाज का पहले चौकीदारी होता था वो अब सब जात का करेगा। मतलब 100% रिजर्वेशन रहता था, ओनली पासवान ही चौकीदार बनेंगे। अब जितना कास्ट है बिहार में वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो नेतृत्व बिहार में अमर आज़ाद कर रहे हैं, और उनका ऐलान है कि 23 जुलाई को बिहार विधानसभा मार्च करेंगे, और जो तमाम बिहार के पासवान हैं चाहे चौकीदार हैं वो इस रैली में आ रहे हैं। हमारे साथ कई पासवान समाज के युवा हैं, पटना विश्वविद्यालय के छात्र। क्या सोचते हैं 23 तारीख को क्या होगा, हम बात करेंगे। क्या होगा 23 तारीख को? 23 तारीख को पासवान समाज विधानसभा मार्च करने के लिए जा रहा है। जो पासवान अधिकार आंदोलन है। हाँ। गांधी मैदान से विधानसभा मार्च तक जाएगा। हाँ। आप जानते होंगे कि आपको पता होगा कि बिहार में चौकीदारी जो पासवान समाज, इसका तर्क है कि ब्रिटिश सरकार से ही पासवान समाज पहरेदार। हाँ। पहरेदार क्योंकि पासवान समाज के लोग में लड़ने और लोगों को मदद और बचाने करने की क्षमता थी। उसी क्षमता को देखते हुए पहरेदार किया गया था। उसके बाद सरकारी सरकार में ही प्रावधान किया गया कि चौकीदारी एक पद नियुक्त हुआ, और उसमें पासवान जाति के लोग चौकीदारी के पद पे स्थापित हुए। लेकिन अभी जो देख रहे हैं कि हाल फिलहाल पिछले समय एक बिहार सरकार के द्वारा नोटिस आया और वैकेंसी निकाल दिया गया 2-3 जिला में कि सभी जाति के लोग आएंगे। ऐसा क्यों सरकार के, अगर देखिए जाति वाइज जाति, दलित में ही कितना है कि बहुत सारे जाति के लोग हैं जो स्पेशल करके कोई भी जो पद है दिया जा रहा है। लेकिन पासवान शादी जाति को जो पहले से ही दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्यों उसको, क्यों पासवान समाज को क्यों सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया जा रहा बिहार सरकार के द्वारा? हम लोग लाखों के संख्या में पासवान समाज 23 तारीख को आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं, विधानसभा आंदोलन। तो क्या होगा उसमें? प्रशासन रहेगी, अभी सरकार नहीं बनी है भाजपा की, एनडीए की। प्रशासन रहे या हम लोग डरने वाले नहीं है। हाँ। पासवान जाति सालों हो गया, 100 साल हो गया, हजारों साल से पासवान जाति किसी से डरता है? आज पासवान जाति तो दूसरे के लिए लड़ता है। हाँ। दूसरे के लिए आंदोलन करता है, दूसरे के। जब पासवान जाति के यदि अधिकार की बात आएगी तो एक मिनट भी पीछे हटने की बात है? हाँ। एक मिनट भी नहीं हटेगा। लाखों की संख्या में। हाँ। पटना पासवान समाज पहुंच रहा है, उसमें हम लोग का मुख्य मांगे, बहुत सारे पंपलेट आपको दे दिया जाएगा, उसमें 65% रिजर्वेशन जो बिहार सरकार के द्वारा जो किया गया था उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, उसके भी अति में हम लोग आंदोलन है। उसके भी मावे बाबा साहब की प्रतिमा व मुख्य द्वार जो पार्लियामेंट है संसद भवन से, उसको मुख्य द्वार से पीछे कर दिया गया गांधी जी के, उसको भी मांगे कि मुख्य द्वार पे स्थापित किया जाए प्रतिमा। इतना के संख्या में लोग रहेंगे, लाखों के संख्या में पासवान समाज चढ़ाई करने के लिए जा रहा है। हम लोग एक मिनट एक डेग भी पीछे हटने वाले नहीं है। कान खोल के सुन ले। हाँ। बिहार सरकार जो भी है। हाँ। और उनके जो भी आगे पीछे जो गिरी है। हाँ। अगर पासवान समाज के अधिकार के साथ छेड़छाड़ करिएगा। हाँ। तो ये अंजाम बहुत बुरा होगा, इसमें कोई भी नहीं, अंजाम बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। बात कर रहे हैं आप? पासवान सब जात के लोग नहीं चौकीदारी करेगा जी, काहे करेगा? उसके लिए कुर्बानी ना दिया पासवान समाज? हाँ।
कुर्बानी दिया है पासवान समाज, तब जाके हुआ है चौकीदार या चौकीदारी का अधिकार लेकर आएंगे। आज जो भी समझ रहा है कि पासवान समाज के वोटर के अथी के हम ठीका ले ले, होश में रहे। हाँ होश नहीं तो ठंडा हो जाएगा। चिराग है, चिराग रहे चाहे कोई रहे, उससे हमको नहीं मतलब है। लेकिन जो भी सोच रहे हैं कि हम पासवान समाज के ठीका लेके चले हैं, वो होश में रहे। अगर नहीं चौकीदारी पुनः बहाल हुआ तो ईट के ईट ईट की ईट बजा देगा पासवान समाज। क्या करेंगे 23 तारीख को आप लोग? क्या नाम हुआ सर आपका? अनुज कुमार मेरा नाम हुआ। पासवान है जी? हाँ पासवान है। क्या करेंगे 23 तारीख को? 23 जुलाई को है कि जो पूरा है कि जो पटना है कि जो जाम रहेगा, पूरा सड़क है कि जो पूरा जाम रहेगा है कि जो प्रशासन रहे या कोई भी रहे कि जो पासवान समाज मानने वाला नहीं है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार से ही है कि जो चौकीदारी चलते आया था पासवानों का, वो लड़ाकू होते थे इसलिए उनको है कि जो वो लोग रखते थे। इसी कारण से है कि जो हम लोग का मांग है कि जो पुनः है कि जो फिर से जो चौकीदारी हम लोग का चलते आ रहा था फिर से दिया जाए, पुनः है कि लागू किया जाए। इसके है कि जो खिलाफ हम लोग नीतीश सरकार और है कि चिराग पासवान का विरोध करेंगे। चिराग पासवान का भी विरोध करेंगे? हाँ चिराग पासवान का विरोध, क्योंकि वो है कि जो सरकार में है, केंद्र में है, और उन्हीं राजनीतिक मुद्दों के ही कारण है कि जो इस तरह से चिराग पासवान के ही कारण हो रहा है ये सब। अगर चिराग चाहते तो ये कैंसिल हो सकती थी? हाँ चिराग चाहते तो अभी वो सरकार में है। नीतीश कुमार को एप्लीकेशन दिए लेकिन कहाँ कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब है कि जो ये तो है कि जो केंद्र सरकार की है कि जो चाहे नीतीश सरकार की, दोनों के एक मानसिकता दर्शाती है कि वो लोग क्या चाह रहे हैं। चिराग के बात मानते हैं कि नहीं नीतीश कुमार और मोदी? नहीं, अगर मानते तो ऐसा होता ही नहीं। अगर मान जाते हैं कि जो तो इस तरह का है कि जो मुद्दा उठता ही नहीं। अब इसका है कि सभी लोगों में आक्रोश है पासवान समाजों में, वो है कि सड़कों पर उतरेंगे और 23 जुलाई को इसका है कि जो देखने को आपको मिल जाएगा। पासवान का नेता चिराग पासवान को मानते हैं कि नहीं सर? पासवान नहीं, नहीं कोई नहीं है कि जो इस मुद्दा को लेकर कोई नहीं, चिराग पासवान को कोई नहीं मानते हैं कि वो है कि जो पासवानों का नेता है। अब वो है कि जो उनको सब एक जो फॉरवर्डों का नेता मान। बड़ा संग्राम होगा 23 को? 23 तारीख को बहुत बड़ा संग्राम होने वाला है। विधानसभा तक है कि जो सभी लोग है कि जो जाएंगे, लाखों लाख लोग है कि सड़कों पर उतर जाएंगे, लाखों लाख। हाँ चलिए देख रहे हैं ना, हम लोग चौहर माला बाबा साहब के अनुयायी हैं, जितने भी हैं साथी बाबा साहब के विचारों के मानने वाले लोग हैं। चौहर बल के चौहर वंशज के हैं सपूत, एक मिनट भी नहीं हिलेंगे। जो पहल किए हैं अमर आजाद भैया जी किए हैं, पहल किए हैं उसके, उनके नेतृत्व में उनके जितने भी सहयोगी हैं पूरे बिहार से लाखों की संख्या में पटना 23 तारीख को आ रहे हैं। अब बिहार विधानसभा मार्च होगा, चढ़ाई होगा विधानसभा। अमर आजाद को तो बार बार जेल में भेज दिया जाता है, तो इस बार बचेंगे फिर जेल में जाएंगे? बचना तो चाहिए अभी। हाँ जेल तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि पासवान के समाज के लिए लड़ रहा है, तो पासवान को ये हक बनता है कि उसको सपोर्ट करे। हाँ। ऐसा तो नहीं है जो नहीं करना चाहिए, हम लोग करेंगे सपोर्ट। तो अमर आजाद के साथ हैं आप लोग? हम लोग एकदम खुल के हैं। चिराग पासवान पासवान का नेता है? चिराग पासवान पासवान का कभी नेता नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा, ये हमसे लिखवा लीजिए। पासवान है भी नहीं यार, पासवान रहता तो थोड़ा ही, पासवान का कितना हक हकदार मर रहा है पता है, हर चीज हटा रहा है। एक खानदानी पोता हम लोग का, सब दिन से मेरा पूर्वज, शुरुआत में मेरा पूर्वज मरा। हाँ। अभी जब सुख करने का दिन आया तो माने ये पदे हटा रहा है, सब जाति का दे रहा है, ये तो गलत चीज है ना। तो आप लोग रोड पे उतर रहे थे इस तारीख को? एकदम, हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे और बिहार सरकार नीतीश कुमार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जो बिहार में लगातार दलितों की हो रही है, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है, उनका जमीन हड़प लिया जा रहा है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनका FIR थाना में नहीं लिखा जा रहा है। पासवानों का जो चौकीदारी रद्द हुआ है, इसको आप लोग, इसका लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, पासवान समाज जो है लड़ाकू समाज रहा है, चौहरमल वंशज है, इनको चौकीदारी का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही बिहार में जो 65% रिजर्वेशन जो है हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है, अगर जो नीतीश कुमार जी में इतना क्षमता है तो केंद्र सरकार से मांग करें कि नवीं अनुसूची में डलवा दें। अगर जो नवीं अनुसूची में नहीं डलवाते हैं तो केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। और चिराग जी जो बोलते हैं कि हम दुसाद के नेता हैं, तो चिराग पासवान कभी दुसाद का नेता नहीं हो सकते हैं। इन्होंने पासवान समाज को बेचने का काम किया है, भाजपा के साथ और नीतीश कुमार के साथ बेचने का काम किया है। जब उनके अधिकार की बात होता है तो ये जो है पासवान समाज के अधिकार पर ही चिराग पासवान जी चुप हो जाते हैं। हम मांग करते हैं कि अगर जो चिराग पासवान जी पासवान के अधिकार पर पूरे दलित समाज के अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो पासवान समाज और दलित
दलित समाज इनको बहिष्कार करेगा। पासवान का नेता है चिराग पासवान? एकदम नहीं, अगर जो पासवान का नेता रहते तो पासवान समाज के लिए विधानसभा और संसद भवन में पहुँच कर आप ही सब दे देते हैं सर। वोटवा कहाँ हम लोग दे रहे हैं, इनको पासवान समाज बहिष्कृत कर दिया गया है। पासवान समाज इनको कभी वोट नहीं देगा, पासवान के नेता रहते तो पासवान समाज के लिए लड़ते। तो आप लोग साथ हैं? हम लोग साथ हैं। आज 23 तारीख को लाखों की संख्या में हम लोग पटना आ रहे हैं। चलिए घमसाम होगा, पूरा घमसाम होगा, पूरा चक्का जाम होगा, पूरा कितना पासवान रहेंगे उस दिन? लाखों की संख्या में रहेंगे। लाखों की संख्या में? लाखों की संख्या, पूरा चक्का जाम होगा एकदम, चक्का जाम पूरा। अगर अगर नीतीश कुमार जी को ये जो तुगलक फरमान जारी किए हैं अगर इनको सुधार करना ही है तो काहे नहीं सामाजिक काम में करते हैं, जिस तरह से जमींदारी प्रथा आया था उस पर काम करते। बहुत सारे लोग को आज भी हैं जो कि दबे कुचले हैं। तो उनको 23 तारीख को संग्राम होगा पटना में? अरे तो होगा, लेकिन देखिए इनका जो विचार है, इनका जो सोच है, मानसिक सोच है, अगर उस तरह से आप करते जो आज भी कई लोगों के पास 200 बीघा जमीन है, अगर उस तरह से अगर अमर आजाद के साथ लाखों पासवान उतरेंगे रोड पे? लाखों पासवान है कि रोड पे आएंगे, लाखों पासवान सब तैयार अभी हो गया, सब तैयार है। आप लोग सब तैयार है? टोटल टोटल हम लोग। चलिए देखिए, तो जंग का ऐलान अमर आजाद ने कर दिया है, सामना रहेंगे चिराग पासवान, क्योंकि पासवान का नेता है चिराग, क्योंकि वोट तो उन्हीं को देते हैं, लेकिन जब हक की बात आती है तो उसका लड़ाई कोई पासवान क्यों लड़े। इसका लड़ाई बिहार में जो चौकीदारी का मुद्दा है अमर आजाद लड़ रहे हैं, और उनका ऐलान है कि 23 तारीख को बिहार के जो तमाम पासवान हैं, चाहे वो दलित समाज के क्यों ना हो, तमाम 65% आरक्षण हो, या जो बिहार में दलितों की जान जा रही है, वो तमाम मुद्दों को लेकर के अमर आजाद बिहार विधानसभा मार्च करेंगे। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में दें, और कोहराम मचेगा, लाखों की संख्या में पासवान आ रहे हैं 23 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद।